एवरी वन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंप्लीकेशन के बारे में जिसमें से एक टाइप का इंप्लीकेशन हम समझ चुके थे विच वॉज इफ देन इंप्लीकेशन अभी इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन के बारे में बात करनी बची है लेकिन ध्यान रखना है कि इफ एंड ओनली इफ तभी समझ आएगा जब इफ देन समझ आएगा इफ देन से रिलेटेड सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए और इसके बाद ही इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन की सारी क्लैरिटी आती है तो इफ देन इंप्लीकेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने ये समझा कि हर एक इफ देन इंप्लीकेशन के लिए एक एंटीसीडेंट होता है और एक कॉन्सिक्वेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन ट्रूथ वैल्यू ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट हम डिराइव करते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ इंप्लीकेशन राइट इफ देन ओके इसके बाद इसको समझने के बाद एक चीज और हमने समझी थी कि, then, कि जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स सिर्फ तब होती है जब एंटीसीडेंट फॉल्स होता है पर कॉन्सिक्वेंट ट्रू होता है इज दैट ट्रू नहीं जब एंटीसीडेंट फॉल्स होता है तब कॉन्सिक्वेंट ट्रू होना इज अ केस जहां पर इफ देन इम्प्लीकेशन ट्रू होता है लेकिन जब एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है उस केस में मेरा इफ देन इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस कभी भी और किसी केस में इफ देन इंप्लीकेशन हमेशा ट्रू रहेगा जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों ट्रू हो तब ट्रू रहेगा जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू रहेगा वेरीफाई किया था जस्टिफाई किया था जब एंटीसीडेंट फॉल्स हो और कॉन्सिक्वेंट ट्रू हो तब भी ट्रू रहेगा लेकिन सिर्फ फॉल्स तब रहेगा जब एंटीसीडेंट फॉल्स हो और कॉन्सिक्वेंट ट्रू हो इज इट क्लियर इसके बाद बात करनी थी कि कोई इफ देन इम्प्लीकेशन को और कितने तरीकों से समझा जा सकता है बहुत सारे वर्जन्स हैं इफ देन इम्प्लीकेशन को समझने के तो बात करते हैं इफ देन इम्प्लीकेशन के कुछ वर्जन्स की ओके okay? कुछ और तरीके से इसी इफ देन इम्प्लीकेशन को समझने के बारे में बात करते हैं एक स्टेटमेंट लिखती हूं मैं अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन तो मैं लिख रही हूं इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री क्या लिखा मैंने नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री अब इफ के बाद और देन से पहले तक मेरा एंटीसीडेंट है राइट और देन के बाद से स्टेटमेंट के एंड तक मेरा कॉन्सिक्वेंट है ओके ये क्या है मेरा इफ देन इंप्लीकेशन क्या कह रहा है ये अगर एक नंबर नाइन का मल्टीपल है तब वो डेफिनेटली थ्री का मल्टीपल होगा ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट अब हम इसी स्टेटमेंट को चार नए तरीके से लिखेंगे जिनका मतलब यही होगा वो भी यही मैसेज एक्सप्रेस कर रहे होंगे कि एक नंबर जब नाइन का मल्टीपल है तब वो थ्री का मल्टीपल डेफिनेटली होगा लेकिन भाषा अलग होगी देखते हैं सबसे पहला वर्जन

P is a sufficient condition for Q. P is a sufficient condition for Q. या तो मैं ये बोलूँ P is a sufficient condition for Q. या तो मैं बोलूँ P implies Q. एक ही चीज़ है. क्यों? P implies Q कह रहा है कि अगर एक नंबर multiple of nine है, तब वो multiple of three हो जाएगा दैट मीनस एक नंबर का नाइन का मल्टीपल होना सफिशियंट है ये कंक्लूड करने के लिए कि वो थ्री का भी मल्टीपल होगा यानी कि P की हैपनिंग, P का होना एक सफिशियंट कंडीशन है Q के होने के लिए राइट इट इज सफिशियंट अगर Q का होना हमें दिखाना है तो हम P का होना दिखा दें तो सफिशियंट है उतना दिखाना क्योंकि उससे Q भी आ जाएगा होल्ड कर जाएगा ठीक है अगर कोई नंबर नाइन का मल्टीपल आ गया तो डेफिनेटली वो थ्री का मल्टीपल आ जाएगा क्योंकि नाइन का मल्टीपल एक नंबर का होना सफिशिएंट है थ्री का मल्टीपल उसके होने के लिए है ना तो पी का होना सफिशिएंट है क्यू के होने के लिए यही मैसेज एक्सप्रेस हो रहा है पी इम्प्लाइज क्यू से एग्जाम्पल के थ्रू आप इससे समझ सकते हैं इज इट क्लियर कि हैपनिंग ऑफ पी इज सफिशियंट टू कंक्लूड दैट क्यू इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन और क्यू इज हैपनिंग हैपनिंग of p is sufficient to conclude that q is also happening, okay? इसलिए ये इसका पहला वर्जन बन जाता है सेम मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा वर्जन देखते हैं एक तो हो गया p is a sufficient condition for q। दूसरा होता है इसका नाम क्या है इसका नाम है if p then q, है ना एक होता है p

तो ये दूसरा तरीका हो जाता है इसी सेम देन इंप्लिकेशन को एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका होता है क्यू इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर पी क्यू इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर पी मतलब पी का होना नेसेसरीली इंप्लाई करेगा क्यू के होने को इसका मतलब क्या है अगर एक नंबर नाइन का मल्टीपल है तो ये डेफिनेट है नेसेसरी है फॉर श्योर sure है कंफर्म है कि वो नंबर थ्री का मल्टीपल भी होगा ही होगा तो यही चीज तो हो रही थी ना जब भी पी होता है जब भी एंटीसीडेंट टेक प्लेस करता है तो कॉन्सिक्वेंट को करना ही पड़ेगा इसलिए तो हम कह रहे थे कि अगर एंटीसीडेंट टेक प्लेस कर गया अगर एंटीसीडेंट टेक प्लेस कर गया मतलब कि पी स्टेटमेंट ट्रू आ गया तब क्यू फॉल्स नहीं आ सकता है ना अगर पी के ट्रू होने पे क्यू फॉल्स आ रहा है मतलब एंटीसीडेंट के ट्रू होने पे कॉन्सिक्वेंट फॉल्स आ रहा है तो पी इम्प्लाइस क्यू की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है वो इनवैलिड हो जाता है यही तो लॉजिक है इज इंट इट क्योंकि अगर पी होगा तो क्यू को तो होना नेसेसरी है फॉर श्योर sure है कंफर्म है डेफिनेट है ओके okay? तो क्यू क्या है इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर क्यू फॉर पी Q इज a नेसेसरी कंडीशन फॉर P या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एंटीसिडेंट ओके इट इज दिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज और कुछ भी नहीं है नॉट है? है, Q इंप्लाइज नॉट P. या तो आप बोले P Q, या तो आप बोले नॉट Q इंप्लाइज नॉट P एक ही बात है कैसे नॉट Q एम्प्लाइज नॉट P मतलब इफ नॉट क्यू या फिर इसको सिंबॉलिक ही लिख लेते हैं इफ नॉट क्यू देन नॉट पी जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं पी कहता है यू स्कोर गुड मार्क्स इन आई JEE डब्ल्यू और क्यों कहता है यू गेट अ गुड कॉलेज ऑफ आई आई टी ठीक टी एम्प्लाइज क्यों क्या कहता है इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम IIT JEE then देन यू विल गेट अ गुड कॉलेज IIT if you इफ यू स्कोर गुड मार्क्स देन यू गेट अ गुड कॉलेज यह क्या कह रहा है पीम प्लाइस क्यू कह रहा है क्या मैं इसी चीज को उल्टे तरीके से नहीं कह सकती कि अगर इफ यू हैव नॉट गॉट अ गुड कॉलेज इन आई आई टी दैट मीन यू डिट स्कोर गुड मार्क्स इन आई आई टी जे ही. या तो आप ये बोले इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन आई आई टी देन यू गेट अ गुड कॉलेज या फिर आप बोले इफ यू डोन्ट गेट अ गुड कॉलेज इन आई आई टी दैट मीन्स न यू हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन द एग्जाम इट्स सेम थिंग या तो ये बोलो if पी q क्यू या ये बोलो if not q then not p एक ही बात है तो p implies q is same as saying not q implies not p. जैसे इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अगर एक नंबर नाइन का मल्टीपल है तब वो थ्री का भी होगा राइट right? इसको हम और कैसे बोल सकते हैं अगर कोई नंबर थ्री का मल्टीपल नहीं है तो नाइन का भी नहीं होगा क्योंकि अगर वो नाइन का होता तो थ्री का भी होता है ना अगर एक नंबर का मल्टीपल है तब वो डेफिनेटली का का है है ये इफ पी देन क्यों ने बोला इसको मैं और कैसे बोल सकती हूं? अगर कोई नंबर मल्टीपल नहीं है, तो वो का भी मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि अगर कोई नंबर थ्री का मल्टीपल नहीं है और वो नाइन का मल्टीपल हो गया तो क्योंकि पी इम्प्लाइस क्यू ट्रू है तो नाइन का मल्टीपल होने पर थ्री का मल्टीपल भी हो जाएगा पर मैंने तो कहा कि थ्री का मल्टीपल वो है ही नहीं है ना तो यहां पर कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगा इसलिए या तो आप बोले पी implies क्यू या नॉट क्यू implies नॉट पी दोनों सेम मैसेज डिलीवर करते हैं इज इट क्लियर इन फैक्ट ये जो सबसे एंड में लिखा है हमने वो कहलाता है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू पी इंप्लाइज क्यू को इस तरीके से कहना मतलब यह स्टेटमेंट इस इफ देन इम्प्लीकेशन की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ओके द वेरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ देन इम्प्लीकेशन इज इफ पी देन क्यू इम्प्लीकेशन इज दिस इज इट क्लियर ये चार तरीके होते हैं सेम वेरी स्टेटमेंट इफ देन इम्प्लीकेशन को समझने के या तो आप पी इंप्लाइज क्यू बोलें या तो आप बोले पी इज अफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू या तो आप बोले पी ओनली इफ क्यू या तो आप बोले क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी या तो आप बोले Q P, them, सारे के सारे सेम बात बोल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ये लिखा हो या इन चार में से कोई भी स्टेटमेंट लिखी हो आपको ये समझना है कि ये बात सेम लॉजिक से हो रही है पांचों केसेस में एक दो तीन चार पांच इज इट फाइन जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव टर्म से अभी इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं जब मेरे पास एक इफ देन इम्प्लीकेशन होता है तो उससे रिलेटेड तीन नए स्टेटमेंट निकल के आते हैं जैसे हर एक स्टेटमेंट से निकलता है उसका नेगेशन राइट right? जैसे हर एक स्टेटमेंट से निकलता है उसका नेगेशन इसी तरीके से एक इफ देन इम्प्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट है ना उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली तीन और स्टेटमेंट्स की बात की जाती है अगर मैं आपको नाम बताऊं, तो इफ देन इंप्लीकेशन का एक स्टेटमेंट अपने साथ तीन और स्टेटमेंट्स लेके आता है एक होता है उस इफ देन इंप्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ठीक है तो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इफ देन इंप्लीकेशन एक होता है कॉन्वर्स ऑफ इफ देन इंप्लीकेशन और एक होता है इनवर्स ऑफ इफ देन इंप्लीकेशन तो आपके पास पी इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट है तो आप इस पी एम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसका इनवर्स स्टेटमेंट बना सकते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा अगर पी एम्प्लाइज क्यू मतलब इफ पी देन क्यू आपका इंप्लीकेशन है तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा इफ नॉट क्यू देन नॉट पी दैट मीन्स आप इसको लिखेंगे नॉट क्यू एम्प्लाइज नॉट पी तो not Q implies not P, P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव कहलाता है ठीक है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इसके बाद अगर मैं कॉन्वर्स की बात करूं पी एम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स होता है मतलब इफ पी देन क्यू का कॉन्वर्स होता है इफ क्यू बेसिकली एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के रोल्स सो कर दो ठीक है तब जो नई स्टेटमेंट बन के आती है उसमें पुरानी स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट होता है और पुरानी स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट होता है ये कहलाती है इसका कॉन्वर्स उल्टा राइट मेक सेंस तो इसको मैं लिख दूंगी Q एम्प्लाइस P ठीक है तो P Q के एम्प्लाइज क्योंकि कॉन्वर्स स्टेटमेंट मिलता है Q इम्प्लाइज़ P और तीसरा होता है इनवर्स ऑफ इंप्लिकेशन P इंप्लाइज Q इनवर्स क्या होता है P एम्प्लाइज Q इफ P देन Q का इनवर्स होता है इफ नॉट P देन नॉट Q ओके okay? इफ नॉट पी देन नॉट क्यू दैट मीन्स नॉट पी एम्प्लाइज नॉट क्यू ठीक है कॉन्ट्रापोजिटिव और इफ देन इंप्लीकेशन यह आपस में सेम मीनिंग डिलीवर करते हैं यह चीज नहीं भूलनी है कि नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी पी इंप्लाइज क्यू को लिखने का ही एक दूसरा तरीका है दोनों का मतलब मैसेज डिलीवरी सब सेम है लेकिन कॉन्वर्स कुछ और बोल रहा है ये बोल रहा है इफ पी देन क्यू कॉन्वर्स कह रहा है इफ क्यू देन पी इनवर्स भी कुछ और बोल रहा है ये कह रहा है इफ पी देन क्यू ये कह रहा है इफ नॉट पी देन नॉट क्यू तो इनवर्स का और इम्प्लीकेशन का मतलब अलग अलग होता है कॉन्वर्स का और इम्प्लीकेशन का मतलब अलग अलग होता है लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव और उसके इम्प्लीकेशन का मतलब सेम होता है एक इफ देन इंप्लीकेशन और उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब सेम होता है

कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेकंड वी वुड बी राइटिंग द कॉन्वर्स एंड थर्ड वी वुड बी राइटिंग द इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री इफ पी देन क्यू का कॉन्ट्रापोजिटिव है इफ नॉट क्यू देन नॉट पी दैट मींस इफ अंबर इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री देन इट इज

क्यों क्या था नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री तो नॉट क्यू क्या बन गया नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री तो इफ पी देन क्यू का है ये इफ नॉट नॉट क्लियर इसके बाद बात करते हैं कॉन्वर्स लिखने की इफ पी देन क्यू का कॉन्वर्स क्या है इफ क्यू देन पी तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री देन

If a number is not divisible by 9, then it is not divisible by 3. Okay, is inverse. A number is not divisible by 9, matlab not p, then it is not divisible by 3, matlab not q. So if not p, then not q.

आई डबल एफ जिसको कहते हैं इफ एंड ओनली एफ बहुत ही स्ट्रोंग कंडीशन होती है ये किसी भी स्टेटमेंट पे जब लग जाती है इट इज सुपर स्ट्रोंग कंडीशन देखते हैं ये क्या होती है जब मैं इफ देन इंप्लीकेशन की बात कर रही थी तो मुझे इफ देन इंप्लीकेशन को लिखने के लिए बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर्म करने के लिए एक एंटीसीडेंट सिंपल स्टेटमेंट की जरूरत थी और एक कॉन्सिक्वेंट सिंपल स्टेटमेंट की जरूरत थी यहां पे भी मुझे दो स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दो सिंपल स्टेटमेंट्स की जिनको मैं किसी फ्रेज से कनेक्ट करके इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन बनाऊंगी तो कैसे दिखता है इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन ये दिखता है इफ ये ऐसे दिखता है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू ओके पी इफ एंड ओनली इफ क्यू यहां पर क्या होता है ना जो पी है ना वो एंटीसीडेंट भी है और कॉन्सिक्वेंट भी है क्यू एंटीसीडेंट भी है और कॉन्सिक्वेंट भी है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज सेम एज पी इंप्लाइज क्यू दिस इफ देन इंप्लीकेशन जहां पर पी एंटीसीडेंट और क्यू कॉन्सिक्वेंट है एंड कनेक्टिव आ गया वापस से क्यू इंप्लाइस पी इफ देन इंप्लीकेशन जहां पर क्यू एंटीसीडेंट है पी कॉन्सिक्वेंट है मेरे पास पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट है राइट right? इन दोनों को बारी बारी से एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बनाओ एक बार पी को एंटीसीडेंट बनाओ क्यू को कॉन्सिक्वेंट उसकी मदद से आप लिख लो इफ पी देन क्यू या आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई राइट right? एक सिंपल स्टेटमेंट आ गई इसके बाद आप क्या करो Q को एंटीसीडेंट बनाओ P को कॉन्सिक्वेंट बनाओ और आप उसकी मज़, उसकी मदद से आप एक इफ इफ देन बनाओ इज देन P आपके पास दूसरी सिंपल स्टेटमेंट आ गई दोनों को दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स को एंड कनेक्टिव से जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है P इफ एंड ओनली इफ Q समझ में आया तो यहां पर एंड क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट्स तो चाहिए लेकिन उसके अलावा पी इंप्लाइस क्यू और क्यू इंप्लाइज पी भी दो स्टेटमेंट्स चाहिए जिनको एंड कनेक्टिव से कनेक्ट करके जोड़ के कंबाइन करके मैं ये वाला इंप्लीकेशन बनाती हूँ विच इज पीफ एंड ओनली क्यू ओके इट इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी ठीक है तो यहां पर जब मैं पी इंप्लाइस क्यू एंड क्यू इंप्लाइस पी की बात करती हूँ तो जैसी मैं एंड पे बात करती हूँ मेरे पास काफी सारे आंसर्स ऑलरेडी आ जाते हैं क्योंकि मैं एंड से रिलेटेड ट्रूथ वैल्यू के बारे में सब कुछ पढ़ चुकी हूं तो मुझे पता है कि दिस एंड दिस ट्रू कब होता है जब ये ट्रू हो एंड ये ट्रू हो है ना जब ये ट्रू हो एंड ये ट्रू हो अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गए तो ये पूरा फॉल्स हो जाता है और इंडिविजुअली ये ट्रू कब होता है ये ट्रू कब होता है हमें तो पता ही है क्योंकि हम ट्रूथ वैल्यू इफ देन इंप्लीकेशन की पढ़ चुके हैं है ना तो क्योंकि हम एंड एंड वाले कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पढ़ चुके हैं तो हम इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू की मदद से इस पूरे की ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं अब इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू की मदद से इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज निकालते बननी चाहिए जो कि हम इफ देन इंप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं राइट right? इसलिए हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यूज के बारे में नहीं पढ़ते इज इट क्लियर इट्स कॉमन सेंस कि क्या करना है एंड की मदद से और इफ देन इम्प्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यूज की मदद से आप इनकी ट्रूथ वैल्यूज हमेशा निकाल सकते हैं अगर आपके पास एंड और इफ देन इम्प्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यूज की अच्छी क्लैरिटी है तो यहां पे ये निकलना केक वॉक है ओके तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं मैं कहती हूं अ ट्राइंगल इज इक्विलैट्रल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर ओके यहां पर क्या हो रहा है अ ट्राइंगल इज इक्वी एक्ट्रल ये मेरा पी है द ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर यह मेरा क्यू है द पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इसको मैं कैसे लिख सकती हूं दिस इज वॉट इसका नाम रख लेते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पे मैं इसका सिंबल डिक्लेयर करने वाली हूं ये था इफ पी देन क्यू जिसको पी इम्प्लीकेशन क्यू साइन से डिनोट किया जाता है अब आप देख सकते हैं पी का एरो क्यू क्यू की तरफ जा रहा है क्योंकि पी को करती है पी का होना क्यू का होना पी का होना क्यू के होने को इंप्लाई करता है सिमिलरली क्यू से भी पी की तरफ एरो जा रहा है मतलब इफ क्यू देन पी दैट मीन क्यू का होना पी के होने को इम्प्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है पी कॉज है क्यू के होने के लिए और क्यू कॉज है पी के होने के लिए इसीलिए दोनों चीजें हैं तो मैं क्या करती हूं इसका डिनोट जो हम करते हैं वो डबल एरो से करते हैं तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को डिनोट किया जाता है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू बिकॉज पी इज इंप्लाइंग क्यू एंड क्यू इज इंप्लाइंग पी फाइन तो ये स्टेटमेंट तो हो गई मेरी इफ एंड ओनली इफ इसको मैं एक्चुअली समझने के लिए अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो देखते हैं सेंस बनता है कि नहीं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को मैं लिख सकती हूं पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी क्यों लिख सकती हूं क्योंकि आप देख सकते हैं अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल इंप्लाइज इट इज इक्वी एंगुलर एंड अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर इम्प्लाइज इट्स इक्वी लेट्रल क्या गलत है इसमें सब कुछ तो सही है अगर एक ट्राइंगल इक्वी है तो डेफिनेटली वो इम्प्लाई करेगा कि वो इक्वी एंगलर है तो वो करेगा कि है या या तो तो आप आप ये बोलें ट्राइंगलैल तो हैल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ तब ही हो सकता है जब वो इक्वी हो अगर वो इक्वी नहीं है तो वो इक्वीलैट्रल नहीं हो सकता और अगर ट्राइंगल इक्वी नहीं है तो फिर वो इक्वी नहीं हो सकता ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये होगा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा इज इंडरस्टूड दिस इज हाउ स्ट्रॉग इफ एन ओनली इफ इज आई अंडरस्टैंडिंग जब मैं पी प्लाइस क्यू की बात करती हूँ तो आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर पी होता है तब तो क्यू होगा लेकिन अगर पी नहीं होता तब भी क्यू हो सकता है क्योंकि होने के पी के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन जब मैं p इफ एंड ओनली इफ क्यू लिख देती हूं तो यह कंडीशन नहीं आती अगर p होता है तो q को होना पड़ेगा इनफैक्ट q के होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ p है अगर p नहीं होगा तो q भी नहीं हो सकता दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द कंडीशन इज ओके Q implies p भी होल्ड कर जाता है ना कॉन्वर्स भी होल्ड कर जाता है पी q का कॉन्वर्स क्या है Q implies p? तो p implies q अगर होल्ड करता है मतलब जब p होगा तब तो Q होगा है ना लेकिन मैं यहां ये नहीं कह सकती कि अगर पी नहीं हुआ तो भी क्यों हो सकता है कि मतलब के 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 होने के के अलावा और भी reasons है। नहीं क्योंकि क्यू अगर क्यू होगा तो पी को होना पड़ेगा तो मैं ये नहीं कह सकती कि P के ना होने पे भी Q हो रहा है क्योंकि अगर P के ना होने पे भी Q हो रहा है और क्यू इंप्लाइस पी ट्रू है तो क्यू के होने पे जो कि वो हो रहा है पी को होना पड़ेगा पर पी तो मैं बोल रही हूं नहीं हो रहा तो वहां पे कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है तो पी इम्प्लाइस क्यू एंड क्यू इंप्लाइस पी में ये ध्यान रखना है कि क्यू के होने का सिर्फ और सिर्फ पी रीजन होता है तो अगर पी हो रहा है तो क्यू होगा पी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं होगा लेकिन सिंपल इंप्लीकेशन में अगर पी होगा तब तो क्यू होगा क्योंकि क्यू के होने का पी वन ऑफ द रीजन सफिश कंडीशन है लेकिन पी नहीं होता तो भी क्यू हो सकता है इसीलिए वेन पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू देन पी इंप्लीकेशन क्यू इज ट्रू बट हियर वेन पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू देन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू इज नॉट ट्रू ओके क्यों Q. If P is false, Q is true. If P is false, Q is true. तब क्या होगा If P is false, Q is true. तब P double implication Q true नहीं हो सकता मैं ये कह रही Are you understanding? इसलिए क्या हो गया यहां पे? कि जब P hold नहीं करेगा तो Q भी

तो हमें यही करना है इन जनरल समझना है कि क्या क्या तरीके से हम क्या क्या टूल्स यूज करके किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं तो लेट्स डिस्कस अबाउट वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स अब स्टेटमेंट की वैलिडिटी मतलब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसके अंदर कनेक्टिव या फ्रेज कौन सा यूज हुआ है ठीक है क्या वो एंड की मदद से बना हुआ है क्या वो और कनेक्टिव को कंटेन करता है क्या वो इफ देन इम्प्लीकेशन जैसा है या क्या वो इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन जैसा है या क्या वो फॉर ऑल या फिर देर एग्जिस्ट टाइप के क्वांटिफायर को कंटेन करता है वो किस स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उसकी वैलिडिटी चेक करना ठीक है सबसे पहले मैं बात करती हूं वैलिडिटी ऑफ पी एंड क्यू टाइप के स्टेटमेंट्स मतलब वो स्टेटमेंट्स जो कि एंड की मदद से बने होते हैं स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग एंड कनेक्टिव मतलब इस तरीके के दिखने वाले पी एंड क्यू एंड आर इस तरीके के दिखने वाले इन जनरल राइट मतलब वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो दो या दो से तीन दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को एंड की मदद से जोड़ के बनाए गए ठीक कब ट्रू होता है पी एंड क्यू कब मैं कहूंगी ये स्टेटमेंट वैलिड है आप सबको पता है ये तीन स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू पी एंड क्यू अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो P एंड Q ट्रू होता है अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो P एंड Q फॉल्स होता है अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी P एंड Q फॉल्स होता है और अगर P फॉल्स है Q फॉल्स है तो भी P एंड Q फॉल्स होता है मतलब P एंड Q ट्रू सिर्फ तब होता है जब इंडिविजुअली P और Q दोनों ट्रू होते हैं अदरवाइज वो सब केसेस में फॉल्स होता है तो अगर आपको चेक करना है कि P एंड Q वैलिड है या नहीं सच है या नहीं तो स्टेप वन शो करो कि P ट्रू है शो करो या सेंस से समझो कि P स्टेटमेंट जो कह रहा है वो सच बात कह रहा है या नहीं और अगर कुछ arbitrary स्टेटमेंट है तो प्रूव करो कि वो सच बात कह रहा है अगर आपको declare करना है कि P एंड Q वैलिड है एक बार P को ट्रू शो कर दिया तो स्टेप टू पे जाओ और शो करो कि Q भी ट्रू है जब दोनों स्टेप्स शो हो गए तो कंक्लूड करो कंक्लूड पी इंप्लाइज क्यू इज ट्रू ठीक सबसे पहले शो करो पी ट्रू है फिर शो करो क्यू ट्रू है और जब दोनों ट्रू शो हो गए तो पी एंड क्यू जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको डिक्लेयर कर दो कि वो भी ट्रू है तो एंड को वैलिड प्रूव करने के लिए हमें इंडिविजुअल सिंपल जिनसे वो बना है टू कंक्लूड पी एंड क्यू नॉट पी इंप्लाइज क्यू तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट जिनसे वो बना है उनको ट्रू शो कर दो तो पी एंड क्यू ट्रू हो जाएगा इज इट क्लियर जैसे कि अगर मैं कहती हूं एंड दिस इज वेरी लॉजिकल आई जस्ट टोल्ड यू एंड क्यू ट्रू हो ही सिर्फ तब सकता है जब P और Q इंडिविजुअली ट्रू हो इसीलिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं कुछ रटना नहीं है इसमें फॉर एग्जाम्पल एट्टी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर एंड फाइव ठीक है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूं P एंड Q नहीं लिख सकती जहां पर मेरा P क्या है 80 इज मल्टीपल ऑफ फोर यह है मेरा पी एंड क्यू क्या है एज अ मल्टीपल ऑफ फाइव ठीक है ये मेरा पी है ये मेरा क्यू है शो करो पी ट्रू है उसके बाद शो करो क्यू ट्रू है जब दोनों ट्रू प्रूव हो गए तो कंक्लूड कर दो पी एंड क्यू ट्रू है क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं P वैलिड है मल्टीपल ऑफ फोर राइट प्रूफ करने की क्या जरूरत है प्रूफ कर दो फोर इन इज अ मल्टीपल ऑफ तो तो ये ट्रू फाइव एट इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव इज इन डेट फाइव इंटू सिक्स इज एटी लिख दो प्रूव हो गया दैट एट इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव तो क्यू भी ट्रू है राइट right? जैसे ही Q ट्रू हो गया P भी ट्रू हो गया हमारे वैलिडिटी हमारे वैलिडिटी चेक से क्या पता चल गया हमें दिस इंप्लाइज P एंड Q इज अ वैलिड स्टेटमेंट या फिर P एंड Q इज ट्रू यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ फोर एंड फाइव दैट्स हाउ यू प्रूव वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एंड हमारे इस चेक टेस्ट से इज इट क्लियर आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि और से बना हुआ अगर स्टेटमेंट है तब कैसे वैलिडिटी इंश्योर करेंगे इफ देन इफ एंड ओनली इफ इन सबके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वाइल सी यू देन दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू